मैं राखी श्रीवास आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, जो है LCM और HCF। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं LCM। ठीक है, आइए देखते हैं। LCM को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे हम लीस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 नंबर्स लिए हैं, 4, 12 एंड 15। इनका मैं आपको LCM निकाल के बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेथड है उसमें हमें इन तीनों नंबर्स को एक साथ राइट डाउन करना होता है, यहाँ पे 4, 12 एंड 15। ओके, अब आपको इसके लिए टेबल्स आना जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा सबसे छोटा टेबल होता है जिनसे ये तीनों नंबर्स डिवाइड हो जाएं। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ 2 नंबर का टेबल। ठीक है, तो 2 से मैं डिवाइड करती हूँ 4 को। सबसे पहले देखिए 2 2 जा 4, कितनी टाइम्स डिवाइड हुआ, 2 टाइम्स। उसी तरह से 12 भी डिवाइड होगा 2 से, कितनी टाइम्स होगा डिवाइड, 2 6 जा 12। अब देखिए यहाँ पे जो 15 है वो तो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इस नंबर को मैं क्या करूँगी यहाँ पे एज इट इज़ राइट डाउन कर दूँगी। ठीक है, अब अगेन मैं टेबल लूँगी। अभी देखिए यहाँ पे 2 6 और 15 नंबर्स हैं मेरे पास, तो अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए मैं अगेन फिर से 2 का टेबल यूज़ करूँगी। यहाँ पे देखिए 2 से ये 2 कितनी बार डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, और 6 कितनी बार डिवाइड होता है, 2 3 जा 6। ओके, और 15 तो डिवाइड नहीं होता 2 से, तो मैं 15 को एज इट इज़ राइट डाउन करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे अब मेरे पास नंबर है 1 3 एंड 15। अब 1 को तो मैं एज इट इज़ राइट डाउन कर दूँगी। अब 3 और 15 जो है 3 के टेबल में आते हैं, तो मैं अब 3 का टेबल स्टार्ट करूँगी। 3 से 3 कितनी बार डिवाइड होता है, 1 टाइम, 3 1 जा 3, और 15, 3 5 जा 15। ओके, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास नंबर्स आए हैं 1 1 एंड 5। अब ये 1 और ये 1 एज इट इज़ राइट डाउन कर दिया मैंने। अब 5 जो है 5 के टेबल से ही डिवाइड होगा, तो अब मैं 5 का टेबल यहाँ पे लूँगी। देखिए 5 1 जा 5, 5 के टेबल से 5 1 टाइम्स डिवाइड हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमें लास्ट में 1 1 1 सभी में मिल गया है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमें मिला है 2, फिर मैंने दूसरा टेबल यूज़ करा था 2 देन 3 एंड 5, इनको मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दूँगी। ये आया मेरा 6060। तो यही होगा हमारा LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 12 एंड 15। ठीक है, 60। अब हम देखते हैं HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हमें नंबर्स के फैक्टर निकालने होते हैं, जितने भी नंबर्स हों। ठीक है, उसमें से जो नंबर रहता है कॉमन आता है, पर उसमें से भी जो हाईएस्ट नंबर होता है उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 4 है 12 है और 18 है, तो इनके मैं अलग अलग फैक्टर्स निकालूंगी। 4 के लिए अलग फैक्टर, फिर 12 के लिए अगेन, ठीक है, और 18 के लिए ये देखिए। अब 4 हमारा 2 के टेबल से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 4 के क्या क्या फैक्टर आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, उसी तरह से 12 के लिए निकालूंगी मैं 2 से। ठीक है, 2 6 जा 12, अगेन 2 से फिर निकालूंगी मैं 2 के टेबल से, इसको डिवाइड करूंगी, 2 3 जा 6, अब 3 के टेबल से हो गए डिवाइड, 3 1 जा 3। तो इसी तरह से 12 के क्या फैक्टर आए हैं मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब मैं 18 के लिए इसी तरह से प्रोसेस करूंगी। देखिए ये भी 2 से होगा डिवाइड, 2 9 जा 18, अब ये जो 9 है अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब मैं अगेन इससे आगे वाला टेबल लूँगी 3 का, 3 3 जा 9, अगेन फिर 3 से हो जाएगा डिवाइड, 3 1 जा 3। तो 18 के हमारे पास क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे देखिए ये जो 4, 12 एंड 18 है इसका हम HCF निकाल रहे हैं, तो इन तीनों में कौन कौन से नंबर कॉमन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है 2, तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है,
तो हम जब एचसीएफ निकालते हैं तो जो कॉमन नंबर होता है उसको यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी टू है, यहाँ भी टू है, पर यहाँ पे अगेन टू नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों में तो थ्री है पर यहाँ पे थ्री नहीं है तो हम उसको भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें एचसीएफ क्या मिला, टू। ठीक है, हमारे नंबर्स 4, 12 और 18 के लिए हमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो मिला है टू। ठीक है, ओके, इस तरह से आपको ये दो एग्जांपल्स की हेल्प से समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी एलसीएम और एचसीएफ का, जिससे कि आपको पूरा टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो एंड प्रेस बेल आइकॉन। ओके।